कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र गोमा को जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में हर वर्ग और तबके का साथ मिल रहा है। वे जहां भी जा रहे हैं लोग अच्छी खासी संख्या में पहुंचकर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। शनिवार को यादवेंद्र ने कोटली, नेत्रू, डल्लू, रामनगर, हलेड़ में अपने जनसंपर्क अभियान के साथ कई गांवों में जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा, उन्हें इस बार विधानसभा में पहुंचाकर न केवल क्षेत्र की सेवा का मौका दें, बल्कि विकास के वादे को भी सफल बनाएं। गोमा ने कहा कि वह जीतने के बाद हर गांव और पंचायत के विकास के लिए सुझाव लेंगे और इस बार का विकास 100% जन अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक रविंद्र धीमान ने समूचे क्षेत्र की उपेक्षा कर यहां के विकास को ग्रहण लगा दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही क्षेत्र को ग्रहण से मुक्त कर विकास की इबारत लिखेंगे। यादवेंद्र ने कहा, अगर क्षेत्र में 5 साल में बिजली पानी की समस्याएं ही नहीं सुलझाई गई तो विधायक की नाकामियां आसानी से देखी जा सकती हैं। उन्होंने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। राम स्वरूप शर्मा जी, हमारे जग्गी जी, अशोक कटोच जी, एस सी सेल के अध्यक्ष हमारे संजय डोगरा जी, केसर चंद कटोच जी जो कि हमारे जोन के अध्यक्ष हैं, कुलदीप जी और सभी यहाँ उपस्थित इस गांव के गांववासी, आप सबका मैं पहले तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी अपना निजी काम छोड़कर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहां पर एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 12 तारीख यानी कि अगले शनिवार को जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और आपके आशीर्वाद से, सहयोग से 2012 से लेकर 17 तक मैं यहां का विधायक रहा और उस समय आपके इस इलाके में चाहे आपके कॉलेज का काम हो, यहां पर साइंस की कक्षाएं चालू करनी हो, फायर ब्रिगेड की ऑफिस की बात हो, आपका हॉस्पिटल को दर्जा बढ़ाने की बात हो, आपके जसिमपुर में मॉडल स्कूल की बात हो, मैंने अपनी ओर से हर कोशिश करके अपनी ओर से प्रयास किया था कि उस काम को किया जाए। और पीछे भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल आपके सामने है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, जो काम किए हैं उससे ज्यादा आप तरीके से आज देश में, प्रदेश में महंगाई है, सिलेंडर जो है 1200 रुपए का मिल रहा है, आपका पेट्रोल डीजल जो है वो 100 रुपए का हो गया है, आपका सरसों का तेल जो है 200-250 रुपए के बीच में बिक रहा है और महंगाई तो बड़ी है, बेरोजगारी में भी कोई कमी नहीं है। आपके बच्चों ने जब पेपर दिया पुलिस का, पुलिस के पेपर दिया तो उसमें वो पेपर जो है वो लीक हो गया, बिक गया और फिर से पेपर हुआ, जो सिलेक्ट हुए थे वो फिर से सिलेक्ट नहीं हुए। और जिस तरीके से आर्मी का जो रूल था कि 25 से 30 साल नौकरी करके जवान एक फौजी तैयार होता था, उसको भी जो है इन्होंने 4 साल का एक अग्निवीर बना के रख दिया। और जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में और इस विधानसभा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, जो लोगों की अपेक्षाएं थी उसके अनुसार काम नहीं हुए, वो आप सब जानते हैं। मेरी आपसे आग्रह है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश से बन रही है। 40 से 45 सीटें जो है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में इस बार आ रही हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपने अपना आशीर्वाद जो है वोट के रूप में मुझे देना है। और जिस तरीके से आपके अभी पीछे बरसात के मौसम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मुझे नहीं लगता कि आपका जो पिछली बार मैं आया था तो पानी का जो सोर्स अभी तक ठीक हुआ होगा। परसों ठीक हुआ है, अच्छा परसों है। और शांति स्वरूप जी ने बड़ी बड़ी चलो जो कुछ भी है स्वरूप शर्मा जी राम स्वरूप जी बड़े जोर शोर से इन्होंने मेरे से ये ऑर्डर किया था कि जब आप बन के आएंगे तो हमारी जो पानी स्कीम है सुगल ये स्कीम तो इसके सुधारीकरण होगा। तो मैं इसके लिए आपको कोई झूठा वायदा नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद होगा तो इसके लिए जो है हर संभव प्रयास से इसको जो है आपके लिए जो है सुचारू रूप से तैयार किया जाए। कुछ अब की बार हो गया ना, कुछ कमियां रह गई होंगी और उसको स्ट्रीमलाइन करना है और सिस्टमेटाइज करना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर
ठीक तरीके से हो। पहले आपने बताया था कि उसमें पाइपें जो है वो सदियों की पड़ानी पड़ी है। अभी किया है कुछ कुछ हो गया नहीं, कुछ होंगे और होने वाली होंगे, उसको भी करेंगे, उसका सुधारीकरण करेंगे, ताकि आप सब लोगों को जो है इस जो प्राकृतिक स्रोत है जो आपको 12 महीने चलता है इसका जो है आपको भरपूर फायदा हो सके। और जिस तरीके से आपने पिछला हाल देखा है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नारा जो है चुनाव जीतने के बाद जो है वो चेंज हो गया, फिर सबका साथ और विकास अपनों के खास खास का ही रह गया। तो मेरी आपसे आग्रह है कि आपने आने वाले